साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय वाराणसी में उमड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके से कतार लगी हुई है। लगातार दर्शन करने के लिए लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आज चारों गेट को खोल दिया गया है और चारों ही गेट से बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पिछले साल लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था और वो कीर्तिमान भी इस बार टूट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से लोग लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि इस बार ये संख्या 6 लाख तक पहुंच सकती है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान होगा। देश के कोने कोने से इस समय श्रद्धालु पर्यटक वाराणसी पहुंचे हुए हैं और लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी खास व्यवस्थाएं की हैं। ये पूरा का पूरा इलाका नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है, तब तक जब तक भीड़ कम नहीं हो जाती, यानी कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर कल भी भीड़ रहती है तो कल भी यहाँ पर नो व्हीकल जोन होगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए भाई साहब? बिहार से हैं भैया। दर्शन हो गया? जी दर्शन हो। तो दर्शन भी आसानी से लोगों को मिलती जा रही है और ये जो भीड़ है वो दर्शाती है कि नए साल पर किस तरीके से लोग बाबा के दर्शन करते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए आप? नोएडा से। नोएडा से आए। ये बताइए, पहले जब नोएडा में लोग रहते थे वो हिल स्टेशन जाते थे, पर अब बनारस में बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं आप लोगों? दर्शन तो मतलब काफी सही हो रहे हैं, लेकिन पहले भीड़ ज्यादा है काफी, लेकिन तब भी दर्शन काफी सही हो रहे हैं यहाँ पर। दर्शन आसानी से हो रहा है? नहीं, आज मतलब कल तो हो गया था सही से, तो आज देखते हैं अभी जाएंगे दर्शन करने। तैयार करना पड़ा? हाँ थोड़ा तो। तो ये बताइए कि साल के पहले दिन बाबा का दर्शन करना कितना सुखद एहसास है? बहुत सुखद है, जो पहले दिन दर्शन कर रहे वही बाबा का दिन है सोमवार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं कि आज सोमवार भी है और बाबा विश्वनाथ का दिन भी है और इसलिए आज यहाँ पर श्रद्धालुओं के दर्शन करने की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। तस्वीरों में देखिए, ये भगवान शिव का त्रिशूल है और यहाँ पर आकर के जो सेल्फी पॉइंट ये बन गया है, यहाँ पर लगातार फोटो खिंचाने वाले लोगों की होड़ आ रही है। किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं आप लोग, कितनी खुशी हो रही है आज यहाँ पर? पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इतनी बढ़िया व्यवस्था है, सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि आराम से सब दर्शन कर रहा, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, अंदर बहुत ही तसल्ली मिल रहा है कि आराम से एकांत में दर्शन हो रहा। पहले लोग आने से, घर से आने से पहले सब लोग सोचा था कि ये दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद जो प्राप्ति अंदर से होती है कि भगवान जी स्वयं दर्शन दे दिए। नमामि शंकर भवानी शंकर, शंकर मेरे कष्ट हरो, नमः पार्वती पते हर। आसानी से दर्शन हो रहा है आप लोग? जी बहुत अच्छे से। इतनी भीड़ के बाद भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, दर्शन काफी अच्छे से हुई है, जय महाकाल, बाबा की कृपा है, सबसे अच्छे से हो गई है। बहुत आराम से दर्शन हुआ। दिन भी सोमवार का है, हम भक्ति में महाकाल के। आप देख सकते हैं पूरा जो बनारस है इस समय बम बम बोल रहा है और नए साल के पहले दिन जो भक्त हैं वो सबसे पहले महादेव का दर्शन करना चाहते हैं और इसीलिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर उमड़ती हुई दिखाई दे रही है और ये सिलसिला आज दिन भर इसी तरह जारी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।